हाय गाइस, दिस इज विभु दत्त फ्रॉम साउंड टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका टीवी को आपका साउंड बार हुआ या म्यूजिक सिस्टम में एचडीएमआई एआरसी केबल के थ्रू में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी है और यहाँ पे एक साउंड बार है जो कि जूक ब्रांड का साउंड बार है। तो आप पहले चेक कर लीजिए आपका टीवी और आपका म्यूजिक सिस्टम, ये दोनों मीन्स आपका साउंड बार हुआ या वूफर हुआ या आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, ये दोनों में एचडीएमआई एआरसी पोर्ट है कि नहीं। अगर ये दोनों में एचडीएमआई एआरसी पोर्ट है तो ही आप एचडीएमआई एआरसी पोर्ट के थ्रू में ये दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं पहले एक ऑप्टिकल केबल कैसे कनेक्ट होता है टीवी टू साउंड बार या साउंड सिस्टम, तो वो भी मैं आपको दिखाया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हमारा काफी सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि एचडीएमआई एआरसी केबल में कैसे कनेक्ट होता है, तो मैं अभी आपको टीवी एंड ये साउंड बार का दिखा देता हूँ कहाँ पे रहता है एचडीएमआई एआरसी पोर्ट। और यहाँ पे हम साउंड बार रखे हैं, तो पहले मैं इसका पोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये साइड में उसका पोर्ट वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पे मैं क्लोज लुक आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि तीन यहाँ पे एचडीएमआई पोर्ट है, ये है उसका एचडीएमआई एआरसी पोर्ट जो कि तीन पोर्ट दिया गया है। फर्स्ट जो है वो एचडीएमआई एआरसी है, सेकेंड जो है ये एचडीएमआई टू है एंड थर्ड जो है ये एचडीएमआई थ्री है। तो ये हो गया हमारा टीवी का एचडीएमआई एआरसी पोर्ट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये साउंड बार का एचडीएमआई एआरसी पोर्ट। ये जूक ब्रांड का साउंड बार है, इसका जो रिव्यू वीडियो है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये उसका ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये ऑप्टिकल पोर्ट है एंड यहाँ पे एचडीएमआई टीवी एआरसी लिखा गया है। जबकि उसका साइड में अगर पोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे सभी पोर्ट उसका दिया गया है। जो हमारा एचडीएमआई एआरसी पोर्ट है, यहाँ पे मैं सिंपल एक एचडीएमआई केबल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि नॉर्मल एचडीएमआई केबल लेता है, सेम केबल यहाँ पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे मैं केबल को लगा देता हूँ और दूसरा एंड जो है ये हमारा साउंड बार का एचडीएमआई एआरसी पोर्ट जो है यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साउंड बार का एचडीएमआई एआरसी में केबल कनेक्ट हो गया, सेम यहाँ पे टीवी में भी कनेक्ट हो गया। आपका साउंड सिस्टम में भी आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे कि आपका साउंड सिस्टम में एचडीएमआई एआरसी मोड होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाया ये साउंड बार में एचडी लिखा रहता है, जैसे कि आपका साउंड सिस्टम हुआ या साउंड बार में कुछ अलग ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन में रहना चाहिए। मीन्स आपका साउंड बार जो है वो एचडीएमआई एआरसी मोड में रहना चाहिए, तब जाके आप आपका टीवी का जो ऑडियो का आउट है वो आप आपका साउंड सिस्टम में सुन सकते हैं। तो यहाँ पे साउंड जो है अभी साउंड बार में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे रिमोट जो है रिमोट से वॉल्यूम अगर कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं टीवी से वॉल्यूम कम हो रहा है और सेम आपका साउंड बार में भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि ये साउंड बार में जो साउंड है वो 30 तक है, तो उस हिसाब से वो सिंक्रोनाइज होता है टीवी के साथ। मीन्स अगर टीवी में वॉल्यूम 12 है तो आप देख सकते हैं साउंड बार में वॉल्यूम जो है वो 4 है। तो ये दोनों को ऑटो सिंक्रोनाइज वो कर देता है। उसके बाद आप रिमोट से भी साउंड बढ़ाते हैं तो भी यहाँ पे साउंड बढ़ेगा। अगर आप आपका साउंड बार का रिमोट से भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो भी साउंड जो है कम ज़्यादा होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसका सेटिंग क्या रहता है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे साउंड में जाते हैं तो यहाँ पे स्पीकर्स जो है वो एआरसी लिखा गया है। तो ये टीवी में एचडीएमआई एआरसी का डेडिकेटेड ऑप्शन है, तो आपको कुछ भी सेटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मॉडल में एचडीएमआई एआरसी का डिफॉल्ट सेटिंग दिया गया है। मीन्स आप सिर्फ केबल कनेक्ट कर देते हैं तो ही ये ऑटोमेटिक एआरसी मोड में चला जाएगा और यहाँ पे साउंड जो है चालू हो जाएगा। तो अगर आपके पास दूसरा ब्रांड का कोई भी टीवी है तो उसमें आपको साउंड में जाना है, मे बी जो सेटिंग है वो अलग होगा, तो आपको यहाँ पे डिजिटल ऑडियो आउट में जाना है। तो ये डिजिटल आउट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपका टीवी में मे बी अलग अलग ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक PCM मिलेगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका साउंड बार में अजब सा साउंड आएगा, जैसे कि आप ये साउंड सुन सकते हैं। तो इस टाइप का साउंड आपको आ सकता है। अगर आप दूसरा कोई भी मोड में जाते हैं तो आपको इस टाइप का साउंड ही आएगा।
अगर आप डॉल्बी डिजिटल सिलेक्ट करते हैं या डॉल्बी डिजिटल प्लस सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस टाइप का ही साउंड आएगा। तो आपको यहाँ पे पीसीएम जो है इसको सिलेक्ट करना है, और ये जो पीसीएम मोड है ये सभी टीवी में है, ऐसे नहीं कि कोई भी ब्रांड में अगर टीवी में अगर आप जाते हैं तो ये मोड आपको डिजिटल ऑडियो आउट में डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको ये पीसीएम सिलेक्ट कर देना है, तो आप एचडीएमआई एआरसी केबल अगर लगाते हैं तो उसका साउंड आप इसमें सुन सकते हैं, और बाकी ऑप्शन में कुछ भी चेंज करते हैं तो भी चलेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपका टीवी का सेटिंग में कोई भी एक जगह में आपको डिजिटल आउट मिल जाएगा, जो जगह में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पीसीएम, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका टीवी में एचडीएमआई एआरसी केबल लगाते हैं तो उसका साउंड जो है आप साउंड बार में सुन सकते हैं। तो मैं अभी माइक्रोफोन को ये साउंड बार के नज़दीक लेता हूँ तो आपको इसका ऑडियो क्लैरिटी थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो यहाँ पे और एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई कोई टीवी में आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये दोनों को आप लगा सकते हैं, मीन्स ये साउंड बार का साउंड भी आप सुन सकते हैं विथ टीवी का जो इनबिल्ट स्पीकर है उसका साउंड भी आप सुन सकते हैं। बट ये टीवी का जो सेटिंग है इसमें आपको पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि सिंगल मोड दिया गया है एआरसी का। तो वो मोड में अगर आप जाते हैं तो ओनली आप आपका साउंड बार हुआ या म्यूजिक सिस्टम में ही उसका आउट सुन सकते हैं। तो इस जरिए में आप आपका टीवी को आपका साउंड बार हुआ या साउंड सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। आपका टीवी में जाइए, अगर वहां पे एआरसी ऑप्शन है तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक कर दीजिए, अगर वो ऑप्शन नहीं आता है तो आप डिजिटल साउंड आउट में जाइए और वहां पे पीसीएम जो ऑप्शन आपको बताया वो ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, तब जाके आपका टीवी का जो ऑडियो आउट है वो आपका साउंड बार या म्यूजिक सिस्टम में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचे। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।